सियासी लोग हैं, सियासत के उ भी गल बात आती है। तो अहमद खान तो शिदू खान तो हूँ, अहमद खान थोड़ा लेट है, तो मैं इस बैठा मेरे संगती मैं मजलस कर पी। तो जिमें शाहजहां खान आखिर मुतवका भी किश है कि ये सारे बैठे मुतवक के इंतजार जी इलेक्शन थे कि नहीं थी। लिहाजा ये गाल इन तो कोई दूजी गाल को नहीं कि इलेक्शन नहीं थी पी, इलेक्शन बिल्कुल थी पी है। 8 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट से ऐलान है, शेड्यूल ही शायद कुछ दिवारी चाह वैसी अस भी अपनी इलेक्शन मुहिम का आगाज किया है। तो मैं बजाते खुद थोड़ा ली सीट से इन्हें तो जे डेरे वाली है पाड़पुर वाली से इलेक्शन लड़ता पी हाँ, क्योंकि कुछ दोस्तों इधर सवालत भी किए कि यार की इलेक्शन उसी, लेकिन मैं आख्या कि मैं इस सीट से बजाते खुद इंशाल्लाह ताला कैंडिडेट हाँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से लड़ते पे हैं कि तुआकू भी इंशाल्लाह अज सड़ावण का मकसद ये है कि जिथे जिथे तुहाड़ी संगत मौजूद है, अजकल तो मोबाइल का दौर भी है, मोबाइल भी हैं नाल लोगों नाल मुलाकात होने, अपनी कंपेन जी है उस शुरू करो इंशाल्लाह ताला जे रहे। हल्का बंदियां भी तकरीबन थी गए हैं, तो जिमें अहमद खान आखिया कि असा अपनी कारकर्दगी बुनियाद पर पिछली दफ़ा भी मैं 2018 के इलेक्शन इतना आया, मैं इतना जलसा भी किया है। 2018 इलेक्शन भी इतना बुजुर्ग भी बैठे हैं, नौजवान भी बैठे हैं, बुजुर्गों तो पिछले इलेक्शन भी डिठे उसे, लेकिन ये 2018 इलेक्शन तो मैं अपने वालिद साहब दौर कन भी इलेक्शन थोड़े बड़े मैं छोटा तो लड़दम, रशीद खान उन्होंने भी इलेक्शन लड़े, असा 2018 वगू इलेक्शन जिंदगी नहीं डिठा। जेरे किस्म का इलेक्शन है तो जेरे किस्म की उन्होंने सिलेक्शन की है, लेकिन इन शेयर का अंजाम जेरे लोगों को मसनूई तौर पर बनाया वेंद है उन्होंने अंजाम भी इवें आता है। उस वेले 2018 एक जमात है PTI के नाते, वह सिवाए मंदा दे गालियां दे बाकी उन्होंने को शाही को नहीं कह सके आखसू। मैं अगर आख सकर मैं नहीं किया, मेरे वालिद साहब या पीपल्स पार्टी के जनरल एक सिलसिला चलता पी है, उन्हें एक मंशूर है, एक तारीख है, उन्होंने तारीख तक को नहीं आई, वो दू गल कर त्रीजी गल तो मंदे शुरू कर देने। अज उन्हों का नतीजा देखो, जेरे लोग सड़वेंदे भी हैं वो ही परेशान होते हैं कि लाउड स्पीकर तो उन्हें तकरीर करे सकते क्या आखसन, पूरा शार सुनता पी उसे मंदे तो गालियां। अज उन्हों का अंजाम कैसी है, उन्हें गलत गालियों का अंजाम यह है कि अज वो छोड़ो अपनी संगती तो छोड़ो अपनी अपनी 107 की जमात नहीं करा सकते। अज आप पुलिस कौन लुके होते हैं, अज आप इलेक्शन कंपेन नहीं कर सकते, इलेक्शन आ नहीं सकते। मसनूई जमात का शह तो यही होती है, उन्हें क्या किया, उन्हें अंजाम कैसे पहुंचे। अज जेरा मियावाली जेरा कम थी एयरबेस से हमला थी दहशतगर्द, उन्हें भी तो इवें कम किया है ना। अज वो दहशतगर्द जिन्हें हमला किया तो अज 8-9 बंदे मारे गए मियावाली के एयरबेस में, तो ये भी तो इवें वड़न कैंटी ही वड़न उन्दे कहने अपने छावनी ची वड़न GHQ ची वड़न कोर कमांडर के घर वड़न। मैं हमेशा आखदा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी तारीख रही है, इतना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को ज़ियाउल्लाह फांसी से चढ़ा दिता है, लेकिन उस वे पीपल्स पार्टी ने नहीं आखा कि ज़ियाउल्लाह इस वक्त सदर ममलिकत है, फौजी सरबराह थे उनके घर पर वहाँ हमला कर गिनो या फौजी तनसीबात पर हमला कर गिनो या कें छावनी चवड़ वो। बेनज़ीर भुट्टो जल्द इंडिया रोड से शहीद थी गई है, उस वेले आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान खपे का नारा मारी जल्द पाकिस्तान की बाहर लगी पी। अगर वो आग डे कि यार मैडे वर्क इवें करो जिमें इमरान खान लोगों को आखाई उस तो सारे सिंध की बाहर लगी पी। हर पास मतलब है कि इवें सिस्टम है कि पूरे पाकिस्तान की बाहर लगी पी, लेकिन असद आखे नहीं अस पाकिस्तान को यकजा करना है, असी सियासत करनी है, लेकिन असद जमहूरी तरीके से सियासत करनी है। जिमें हमेशा सरदारी साहब आखद कि जमहूरियत बेहतरीन का काम है, वो इसम्बली तकरीर की आई अज भी 3-4 तकरीर सरदारी साहब इसम्बली की उन्हें 2018 के बाद उन्हें अज भी तकरीर सुन वो इमरान खान को आखे कि मैं कोई जरूरत को उठावे तू अपने वजन आप ढा सें। वो 2018 गाल की थी तो अज 2023 साबित कर लेते इमरान खान कि मैं अपने वजन का आप किमें ढा। लिहाजा देखो ये पुरानी जमात है, बाकी जमातें भी असें भी तो सियासत की है, मौलान साहब भी की थे, बाकी सियासी खानदान भी की है। ये 2018 के PTI की सियासत एक वक्री सियासत है, सफेद पोश को बेइज्जत करना, बंदे कढ़न, इन अलावा तो भाई कोई सियासत को नहीं। अस हमेशा शराफत की बुनियाद पर सियासत की थी, साढ़े दोस्त भी इवें मतलब कि मुखलिस दोस्त हैं, शरीफ दोस्त हैं, खानदानी दोस्त हैं, असें उन्हें शायद वो की थी। असा को 16 महीने की जी हुकूमत मिली वो कण पहले जो 2008 कण साड़ी 13 तक हुकूमत आई, जिमें मत खाना कि असा 120% सरकारी मुलाजमी तनखाएँ बधाएं, असा पेंशन बधाई है,
बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जी से बुनियाद रखी अस हूँ जो 16 महीने हुकूमत मिली है शहबाज शरीफ साहब आखिर यार बहुत महंगाई है बहुत सिस्टम है तनखाइया नहीं बदल अस वी असाड़ी ख्वाहिश है कि 5% तनख्वाह बदे क्योंकि महंगाई थी गई लेकिन अस उन वो पैंतरी राजी करके असा चलो कुछ ना कुछ तो थी वे 35% तनखाइया बदन बेनज़ीर कार्ड जैसे को उनकी जैसे किस्त 7,000 ही असा कुछ असाड़ी कोशिश कि 15,000 थी वे लेकिन वसायल को कम अज़ कम अस 9,000 कर छो बालों की जेरे उन्होंने स्कूल वेंदे पेन उन्होंने असा 2,000 कर कहते 2500 थी गए बच्ची का बच्चे का जेरे 1500 कर 2,000 थी गए इमें स्कीम बेनज़ीर कार्ड जिमें यूटिल स्टोरी चाहे पेन फ्लड आए कैश पैसे बेनज़ीर कार्ड कर तकसीम थे असा ई टाइम आखन बड़ा आसान है 2,00,000 को अगर तुस 9,000 ना जरब डो तो नाल बालों की ट्यूशन जी फीस मिलती उ भी जरब डो तो कितने अरब रुपए हर 3 महीना बाद बेनज़ीर नाते वजीफा गरीब लोगों को मिलता पी है सारी जमात ये दावे की देना कि ऐसा गरीब लोगों की खिदमत करने पे असा एक इवें वजीफा गरीब जाल वास्ते अपनी भीड़ वास्ते अपनी मावा वास्ते भिड़िया वास्ते मावा वास्ते रखे कि डायरेक्ट उन्हें तीन वो पैसे पहुँचन क्योंकि वो घर चले उनको पता है घर कि चल रहा है असाड़ी ख्वाहिश है कि 15,000 थी वे इंशाल्लाह ताला इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत आंदी पई अस जरा इन स्कीम है जी किस्त मिलते पैन अस इंशाल्लाह को 9,000 कर 15,000 थी पुजे सो असाड़ा ये पार्टी का एक मंशूर है कि जेरा जेरा भी गरीब हूँ आखिर ना कोई बंद आखद कि जी वो फलाना थोड़ा फर्द है वह को कार्ड मिल गया तो गरीब को नहीं मिला असाड़ा ये मंशूर है पार्टी का कि जेरा जेरा गरीब है उनके घर ती बेनज़ीर कार्ड इंशाल्लाह ताला पहुँची तो वह बेनज़ीर नाते जो रहता हयात इंशाल्लाह ये वजीफा वो को मिलसी रहा तो इंशाल्लाह मिलसी ये अस इंशाल्लाह अगली हुकूमत साढ़े वो है हूँ भी 2,00,000 कार्ड अक्सर पिछली हुकूमत कुछ कर तो नहीं सकी उन्हें आख है कि बेनज़ीर ना कटो चाहते एहसास ना तो पता एहसास ही एहसास ना रखा ग्यारह लोग दिल रखन बेनज़ीर तो खत्म थी लेकिन जेरी जनाना कार्ड गिनती पी को पता है कि बेनज़ीर कार्ड उन्हें ना तुम जैसे भी रख दिनों बेनज़ीर कार्ड जैसे बुनियाद रखी 9,00,000 कार्ड पिछले हुकूमत पीटीआई की हुकूमत बंद थी गए दे तो नहीं सकते ये जुलम थी आई कि 9,00,000 कार्ड बंद किए कि जेर उम्र से गया जेर हज से गया जैसे कोई सरकारी मुलाजमत है जैसे को 1,000 रुपए का लोड किया जैसे कि बंद किए असा उन्हें कार्ड को खोले अक्सरियत कार्ड खुल गए कुछ कार्ड हाल भी रहते पे इ इलाके की भी मैं को कुछ शिकायत मिले कल मैं भगवानी गया उतें भी आखे कि कुछ कार्ड का कोई मसला है इंशाल्लाह ताला बेनज़ीर दफ्तर इतना मौजूद है अस इतना मौजूद है मैं ही मौजूद हाँ अहमद खान भी है शुदू खान भी है मुबशर खान भी बैठा है असा बगल से मौजूद है फोन से भी अवेलेबल है जिते जिते जै जैसा मसला है बेनज़ीर कार्ड के हवाले बिल्कुल वो मसाइल हल करे सो तो ना सर्वे शुरू है असाड़ी कोशिश है कि ज्यादा खंड ज्यादा सर्वे थी वे ज्यादा खंड ज्यादा लोग इन आ वन 2,00,000 ती असाड़े जिले आ गए हैं जिन्हें लोगों की सर्वे थी है उन्होंने कार्ड आवानी शुरू थी गए तो अगली किस्त शायद उन्होंने पेमेंट ही शुरू थी पई है जरा नवे कार्ड आए जरे जिन्हें अप्रूवल आँदी पई वो भी इंशाल्लाह ताला जरा है वो असा करें पे तो इंशाल्लाह वो भी जरा है वो थी सी लिहाजा इसे वास्ते अस आखते पे कि पाकिस्तान नहीं तुस जेरे कोने पाकिस्तान कश्मीर गिलगित-बल्तिस्तान के जेरे शहर वैसो ना उतना सिर्फ मसीद जाओ कि बेनज़ीर कार्ड कितें ही ना कि तो आपको बेनज़ीर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बेनज़ीर वोटों की निशानी मिलसी कि बेनज़ीर कार्ड मेडल तक पहुँचे इवें स्कीम तो इंशाल्लाह ताला बाकी भी जिमें अहमद खान आख है कि असा इं स्कीम पहले भी शही रखी हैं यूटी स्टोर के हवाले ना ही रखे से अज तुस देखो इन आख है कि असा इन हेल्थ कार्ड गिने तो 2,00,000 रुपए ही हेल्थ कार्ड है लेकिन सिंध क्योंकि साड़ी हुकूमत रही है ई टाइम सिंध साढ़े अपने भी डी खान के कुछ लोगों को मैं भेजे बाकी लोग सब रात हो दिल के ऑपरेशन हो चाहे तुस वाल रखो चाहे बाईपास हो चाहे इन होवे अपना थोड़ा जिगर का ट्रांसप्लांट है 1 करोड़ रुपए एक ऑपरेशन लगता है चाहे गुर्दे का है जेरे इलाज भी सिंध सिर्फ पाकिस्तान का शांति कार्ड है पता कि पाकिस्तान ही है उनके इलाज ये पता कौन कि 1,00,000 रुपये लग सी भावे 1 करोड़ लग सी वो मुफ्त हिंद है उनके 1 रुपये ही खर्च नहीं था अक्सर लोग साढ़ा ये है कि साड़ी अगर हुकूमत सूबे चाहें तो मरकज चाहें तो असा इवें अगर साड़ी खैबर ख्वाज हुकूमत आँदी असा उवें किस्म के अस्पताल कम अज़ कम इतें ही खोलूँ जिथा जरा हुकूमत अपने खर्चे उत्ते गरीब लोगों का या जे नहीं फर्द है उन्होंने जरा इलाज ई किस्म के जरे वो लोग सिंध न वजन बल्कि इतें इलाज करें क्योंकि अक्सर आखिर वो कार्ड है मेडिकल कोल कोई तो कार्ड नहीं चलता पिया कोई तो छुट्टी वाली दीवार नहीं चलता पिया लेकिन असा उन्हें अस्पताल ये नहीं रखे कार्ड है शनाती कार्ड थोड़ा कार्ड है शनाती कार्ड दसो
तुआड़ा उथे इलाज जे रे सिंध मुफ्त है सा कि इथे भी पोश अस घिनो यो शा थी पिछली हुकूमत ही गाल कीती है कि अस 1 करोड़ नौकरी ते 5 लाख घर बणसो न नौकरी दीती है 5 लाख घर दा उन आकत है लेकिन ही घर भी कै को बड़ा के नहीं दिता। सिंध इच फ्लड आया है असाड़ी सुबह हुकूमत है हूँ ही कोई बंदा लगा चेक कर गए उथा जिथा जिथा फ्लड आया असा उथा 3 लाख घर वी कर 3 लाख घर सुबह हुकूमत बढ़ेंदी पई है तो उथे भी वो मालकाना हकूक देंदी पई है तो मालकाना हकूक ही घर की सरबराह जेरी खातून है वह को मिलते पे हर जिले जिथे जिथा फ्लड आया उथा मालकाना हकूक नो उन्होंने को जरे घर मिलते पे तो उन्होंने को बिजली नहीं लाके बल्कि उन्होंने इलाके को सोलर से मतलब प्लेटर ला के उन घरों को सोलर ना चले पे ताकि सारी उम्र मसला थी अस ये फलाई मनसूबे गरीब लोगों वास्ते हक है कि हर हुकूमत करें लिहाजा ये शे जे हैं जे उन्होंने वादे हैं तो असा अमली इकदाम के तौर पर पूछ रहे हैं लिहाजा ये शे तो अज असा मिलन जे एक तो दस है कि जे शे थे पे तुम अपने लोगों को डसा सकते हुए मैडी ये अपील थोड़े बिराव पड़ोसी है साढ़े जे इतना बाजू बैठे साढ़े दोस्त हैं कि अपनी मुहिम शुरू करो कोई इबाम को नहीं इलेक्शन इलेक्शन थी पी है लड़ते पे तो दूर तो लड़ते पे तो इंशाल्लाह जीतेंदे भी पे क्योंकि जिमें तरीके से ये हल्का बना है ना ये कुदरती तौर पर अक्सो असा कुदरती तौर पर साढ़े वास्ते जिम्मे बना होगा मतलब यह है कि उसका जो जटाका इलाका लैदा थी गया पठाना इलाका परले पास टांग जो लगी है ये पूरा बेल्ट ही में वजो मतलब डी खान सिटी तक एक रोड है बस ये जो है मतलब थोड़े पहाड़पुर के कुछ इलाके सी टू के सिटी के इलाके इन एक सीट है इन वास्ते मैं कि थोड़ी भी साढ़े संगती मेहनत करके इन शाला तला जीत साढ़ा मुकदर उसी आखिर मैं बिरावा का वाला भी शुक्रिया अदा करें इन शाला मुलाकात थी रहा जिथे भी तुम आखसो मैं शिदू खान अहमद खान मुबशर असा जो रहे हाजिर होसू तो अपनी इलेक्शन कंपेन जी उ शुरू करो शुक्रिया डॉक्टर साहब को दुआ मंगा।